नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 के 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चनों में हमें क्या बताना है कि जो रैखिक समीकरणों के युग्म हैं, युग्म का मतलब जब दो समीकरण एक साथ लिखे होते हैं तो वो कहलाता है युग्म, मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण के युग्म हैं वो संगत हैं या फिर असंगत हैं, हमें ये बताना है। संगत का मतलब होता है उनका हल निकल सकता है। हमने आपको ये पिछले सवालों में सिखाया है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो वो संगत युग्म कहलाता है, समपाती होती हैं तो वो भी संगत युग्म कहलाता है, लेकिन समांतर होती हैं तो फिर वो असंगत कहलाता है, और यदि संगत आएगा तो फिर उसे हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं, समपाती रेखाएं कब होती हैं, और इन दोनों की स्थिति कहलाती है संगत वाली, और यदि समांतर रेखाएं तो कब होती हैं, ये शर्त है, और ये स्थिति कहलाती है असंगत की। तो देखिए, पहला सवाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ रैखिक समीकरणों के युग्म में एक ये समीकरण दिया है, एक ये समीकरण दिया है। अब हमें पता है जब हम तुलना करते हैं तो बराबर जीरो होना चाहिए, तो पांच का इस तरफ अक्षांतर कर लूं, दस का इस तरफ कर लूं, पांच इस तरफ आएंगे माइनस के हो जाएंगे, दस इस तरफ आएंगे वो भी माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से एक बना लिया समीकरण एक और एक बन गया समीकरण दो। अब क्या करते हैं, हम इनकी तुलना करते हैं, तो हमें पता है इन दोनों समीकरणों की तुलना हम इससे और इससे करेंगे। तो देखिए, हमने लिखा समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण एक की तुलना इससे करना है और समीकरण दो की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करना है। तो देखिए, यहां x के आगे कुछ नहीं है, एक माना जाएगा, y के आगे कुछ नहीं है, एक माना जाएगा, तो a1 का मान 1 होगा, b1 का मान 1, c1 का मान -5, a2 का मान 2 होगा, b2 का मान 2 होगा, c2 का मान -10। तो देखिए, हमने सम्मान ज्ञात कर लिए, इसीलिए अब हम क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 का मतलब होगा कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। अब देखिए, b1/b2 भी हमें निकालना पड़ेगा, तो b1/b2 कितना आएगा, ये भी आया 1/2। तो देखिए, ये दोनों तो बराबर आ गए, और यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा, और c1/c2 होगा -5/-10। माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए, 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब होगा रेखाएं समपाती हैं, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो समीकरणों का युग्म होता है संगत। तो देखिए, संगत असंगत तो हमने चेक कर लिया, अब यदि संगत होता है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं, और ग्राफीय विधि में हमें क्या करना होता है, दो समीकरण होते हैं, समीकरण एक की टेबल बनाते हैं, समीकरण दो की बनाते हैं, फिर बनाते हैं ग्राफ। तो पहले हम समीकरण एक को ले लेते हैं। तो देखिए, हमने समीकरण एक लिया। अब देखिए, यहां से यदि हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर, देखिए 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 प्लस के हो जाएंगे, x का पक्षांतर करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 5 - x। अब हम x का मान रखते चलेंगे और y का मान हमें प्राप्त होते जाएगा। जैसे x बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 5 - x की जगह 0 बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए, यहां बटे में कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी रखते चलिए। जैसे हम x बराबर 1 रख लेते हैं तो 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, y बराबर यहां 5 - x की जगह 1 रखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, 2 ही मान आपको रखने हैं और 2y के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब हम टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से बनाएंगे, x लिखेंगे और
y बराबर जो है वो लिखेंगे। जीरो रखा है तो पांच उत्तर आया है, जीरो पांच हो जाएगा। एक रखा है तो चार उत्तर आया है, तो एक चार हो जाएगा। तो पहले समीकरण की तो टेबल बना ली, अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो देखिए हमने समीकरण दो लिया है, अब यहां से y का मान कैसे निकालेंगे। पहले देखिए 2y बराबर क्या होगा, 10 का पक्षांतर करेंगे 10 धन का हो जाएगा, और 2x का पक्षांतर करेंगे 2x माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें y का मान चाहिए, तो दो जो गुणा में है वो बटे में आ जाएंगे, तो फिर y बराबर ये मान आ जाएगा। अब आप इसमें x का मान ऐसा रखना कि दो का भाग आसानी से चला जाए ऊपर वाली पूरी संख्या में। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी रख देंगे सब में भाग चला जाएगा। जैसे हम x बराबर जीरो रखते हैं तो देखिए y बराबर कितना मिलेगा हमें, 10, 2x की जगह 0 बटे 2। अब यहां पे देखिए 10, 2 और 0 का गुणा होगा 0 बटे 2, यहां पे आ गया 10 बटे 2, क्योंकि 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही आएगा, और 10 बटे 2 का मतलब होता है 5। तो 0 रखा तो 5 उत्तर आया। एक आध और संख्या रख देते हैं, देखिए यहां पे भी 0 5 आया, यहां पे भी 0 5 आया, एक यहां पे रखा है 4 उत्तर आएगा, यहां पे भी सेम ऐसा ही होगा। तो एक ना रख के हम दो रख के बता दे रहे हैं, तो दो रखने पर यदि हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, वाई बराबर 10 2, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे और बटे चल रहा है 2, और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 गुणे 2 करेंगे 4 बटे 2, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 6 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 3। तो देखिए हमने दो संख्याएं एक्स की रखी तो दो हमें वाई की प्राप्त हो गई। अब हम टेबल बना लेते हैं, तो देखिए इस प्रकार से x और y बराबर जो है वो लिखेंगे टेबल में। अब x के मान कितने हैं, 0 रखा है तो y का मान 5 मिला है, तो 0 5 हो जाएगा एक बिंदु, 2 और 3 है, x का मान 2 है और y का मान हमें 3 मिला है। तो देखिए दोनों टेबल हमने बना ली। अब इस टेबल में देखें 0 1 0 2, तो x अक्ष में तो अधिकतम 2 तक हमें चाहिए, y अक्ष में अधिकतम हमें 5 तक चाहिए। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हम ग्राफ बना लेंगे। ज्यादा संख्याओं की हमें जरूरत नहीं है, तो जितनी संख्याओं की जरूरत है वहां तक तो जरूर ग्राफ बनाएं। अब देखिए पहली टेबल में देखें, पहला बिंदु है 0 5, अब 0 5 को जब आप ढूंढेंगे, x का 0 ये रहा और y का 5 यदि देखेंगे यहां पे मिलेगा हमें, और 0 और 5 को मिलाएंगे तो यहीं पे एक बिंदु बन जाएगा। तो एक बिंदु तो ये बन गया। अगला बिंदु देखिए 1 4, x का मान 1 और y का मान 4, x का 1 ये रहा और y का मान 4 ये रहा, दोनों को मिलाएंगे यहां एक बिंदु मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से दो बिंदु मिल गए। अब हम इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बना देंगे, तो देखिए इस प्रकार से हमने इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बना दी है। अब हम देखते हैं दूसरे समीकरण की जो टेबल है उसका पहला बिंदु है 0 5, तो देखिए 0 और 5 यहीं पे मिल जाएगा, तो एक बिंदु तो यही हो गया। फिर चाहिए हमें 2 और 3, x का मान 2 लेना है ये रहा, और y का मान 3 लेना है ये रहा, दोनों को मिलाएंगे यहां पे एक बिंदु मिलेगा। तो देखिए यहां मिला हमें 2 3, एक बिंदु ये हो गया और एक ये हो गया दूसरे समीकरण के दो बिंदु। अब इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई यदि आप रेखा बनाएंगे भी तो वो बिल्कुल इसी के ऊपर से बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बिंदु ये है एक ये है, इन दोनों को मिलाएंगे तो बिल्कुल यही रेखा बनेगी। तो देखिए समीकरण एक का ग्राफ और समीकरण दो का ग्राफ जो बना है दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो देखिए हम संकेत करके लिख सकते हैं कि समीकरण एक का ग्राफ ये है और समीकरण दो का भी ग्राफ यही है। तो देखिए अब हमें लिखना होगा कि जो रेखा युग्म है वो समपाती है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का ग्राफ आ रहा है, और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं, तो रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु चाहे वो ये हो बिंदु ये हो, तो रेखा पर बहुत सारे बिंदु स्थित होते हैं, वो सभी बिंदु इन समीकरण युग्मों का हल कहलाते हैं।
तो देखिए हमने लिखा, चूंकि दोनों समीकरणों का जो हमने ग्राफ बनाया है वो संपाती रेखाएं आ रहा है, और संपाती रेखाओं का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो इसका हल कहलाता है, मतलब इस समीकरण युग्म का हल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो समीकरण युग्म हमें दिया गया था उसके अनंत है अनेक हल होंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, तो देखिए यहाँ रैखिक समीकरणों की युग्म दिए गए हैं x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बराबर 0 बनाते हैं, तो 8 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे 8 माइनस का हो जाएगा, 16 का भी हम पक्षांतर करेंगे तो 16 भी माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक को बना लिया समीकरण एक और एक को बना दिया हमने समीकरण दो। अब हम इन दोनों समीकरण की तुलना इससे और इससे करेंगे। तो देखिए हमने लिखा समीकरण एक और दो की तुलना इससे और इससे करेंगे, तो पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो A1 का मान यहां कुछ नहीं लिखा एक, B1 का मान यदि देखें यहां कुछ नहीं लिखा एक, लेकिन वो माइनस का एक, तो A1 प्लस का एक, B1 माइनस का एक, C1 माइनस 8, A2 का मान 3, B2 का मान माइनस 3, C2 का मान माइनस 16 होगा। तो देखिए सब मान आ गए हैं, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो A1 बटे A2 ज्ञात करेंगे, A1 बटे A2 का मतलब हो जाएगा 1/3, फिर हम ज्ञात करेंगे B1 बटे B2, तो यहां पे माइनस 1/-3 करेंगे, माइनस माइनस काट देना तो यहां भी आ गया 1/3, ये दोनों तो बराबर आ गए, मतलब हमें तीसरा निकालना पड़ेगा C1/C2, तो यहां पे -8/-16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 × 8 = 16। आप देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो देखिए हमने लिखा चूंकि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, और ये स्थिति में कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, और यदि समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई हल नहीं निकल सकता, मतलब जो समीकरणों का युग्म होगा वो असंगत होगा, और यदि असंगत है तो हम ग्राफ बनाकर हल नहीं कर सकते। इसके बाद अगला तीसरा सवाल लेते हैं, तो देखिए यहां रैखिक समीकरणों का युग्म जो दिया गया है इनमें आप देख रहे हैं कि बराबर में 0 पहले से बना है, तो अब हम पक्षांतर नहीं करेंगे, सीधा इसे ही पहला समीकरण बना देंगे और इसे दूसरा समीकरण। तो देखिए समीकरण एक और दो हो गए, अब हम इन समीकरणों की तुलना इनसे कर देते हैं। तो देखिए जब हम इनसे तुलना करेंगे तो A1 का मान होगा 2, B1 का मान यहां 1 होगा वो भी प्लस का 1, C1 का मान -6 होगा, A2 का मान 4 होगा, B2 का -2, C2 का मान -4। तो देखिए ये हो गए सबके मान, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, A1/A2 ज्ञात करेंगे, तो A1/A2 कितना होगा 2/4, कट सकती हैं संख्याएं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे B1/B2, तो B1/B2 कितना आएगा 1/-2, और आपको पता है माइनस चिन्ह हमेशा ऊपर लगाते हैं, तो -1/2, आप देख सकते हैं ये 1/2 प्लस का है और ये माइनस का है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम C1/C2 नहीं निकालेंगे, लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो देखिए हमने लिखा चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब उनका एक हल होता है अद्वितीय हल, और इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाता है, और जब संगत हो जाए तो हमें उसका ग्राफ बनाने के लिए कहा है। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, पहला समीकरण लेंगे उसकी टेबल बनाएंगे, दूसरा समीकरण लेंगे उसकी टेबल बनाएंगे, और फिर बाद में बनेगा ग्राफ। तो हम पहला समीकरण ले लेते हैं, तो देखिए हमने लिखा अब समीकरण एक से, अब देखिए यहां से यदि हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर -6 का पक्षांतर करेंगे प्लस के 6, और 2x का पक्षांतर करेंगे तो 2x हो जाएंगे माइनस में,
अब देखिए y के इंटू में कोई गुणा में संख्या तो है नहीं कि वो बटे में आ जाए, तो y का मान यही हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अब हमें x का मान रखना होगा और y का मान फिर ज्ञात करेंगे, और यहां बटे में कोई संख्या नहीं, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे हमने x बराबर जीरो रखा तो लिखा x बराबर जीरो रखने पर y बराबर छह दो इंटू जीरो। अब देखिए छह दो और जीरो का गुणा किया, जीरो छह में से जीरो घटाया छह आ जाएगा। x बराबर एक रख लेते हैं तो हमने लिखा x बराबर एक रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा छह दो, x की जगह एक रख रहे हैं तो छह दो एकम दो हो गया और छह में से दो घटाएंगे चार मिलेगा। अब हम टेबल बना लेते हैं, तो इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, x लिखा और y बराबर जो है वो लिखा। अब जीरो रखा है तो छह उत्तर आया है, तो जीरो और छह यहां पे लिखेंगे x और y की जगह। एक रखा है तो चार उत्तर आया है, x का मान एक हो गया और y का मान चार हो गया। तो पहले समीकरण की तो हमने टेबल बना ली, अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। तो देखिए ये रहा समीकरण दो। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम यहां से y का मान, तो यहां पे माइनस का दो वाई यहीं पे रखेंगे, बाकी सब पक्षांतर कर देंगे। तो यहां पे देखिए चार एक्स का पक्षांतर करेंगे तो चार एक्स उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के चार बन जाएंगे प्लस के चार। अब माइनस का दो वाई है तो पहले तो हमें माइनस चिन्ह से गुणा करना पड़ेगा, तो दो वाई हो जाएगा प्लस का, चार एक्स हो जाएगा प्लस का, चार हो जाएंगे माइनस के, और फिर दो गुणा में जो है वो बटे में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें y का मान मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे हम x का मान रखते जाएंगे तो यहां पे भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पे बटे में दो है तो आराम से संख्या कट जाएंगी। जैसे हमने x बराबर जीरो रखा तो देखिए क्या मिलेगा, x बराबर जीरो रखने पर y बराबर चार इंटू जीरो माइनस चार बटे दो। चार और जीरो का गुणा किया तो जीरो, जीरो माइनस चार बटे दो, जीरो में से चार घटाएंगे माइनस के चार बटे दो, मतलब यहां पे दो दूनी चार हो जाएगा, माइनस दो आंसर मिलेगा। अब हम x बराबर जैसे एक रख लेते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर एक रखने पर देखें तो y बराबर जो हमें मिलेगा चार, x की जगह एक माइनस चार बटे करना है दो। अब देखिए चार एकम चार माइनस चार बटे दो, चार में से चार घटाएंगे जीरो, जीरो के बटे दो जब करेंगे तो आंसर होगा जीरो। अब हम टेबल बना लेते हैं, तो देखिए एक खंड में x लिखा है, एक में y बराबर लिखा। अब जीरो रखा है तो माइनस दो, मतलब जीरो हो गया x का मान, y का मान माइनस दो। फिर एक रखा है तो उत्तर जीरो आया, एक एक्स का मान y का मान जीरो। देखिए दोनों समीकरण की टेबल हमने बना ली, अब हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से x अक्ष और y अक्ष हम बना लेते हैं। अब देखिए टेबल पहली देखें तो जीरो और छह चाहिए हमें। देखिए x का जीरो ये रहा और y का छह देखें तो ये रहा, दोनों को मिलाएंगे यही मिल जाएगा जीरो छह। इसके बाद अगला बिंदु है एक चार, x का मान एक लेना है और y का मान चार, दोनों को मिलाएंगे यहां भी मिलेगा एक बिंदु। तो देखिए दोनों बिंदु मिल गए, अब हम इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बना देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने लाइन बना दी और इस लाइन पे समीकरण भी लिख दिया जो समीकरण एक था। अब देखिए हम दूसरे समीकरण की टेबल, जीरो और माइनस दो चाहिए। तो देखिए जीरो एक्स का मान लेना है, वाई का मान माइनस दो। देखिए जीरो ये रहा और माइनस दो वाई का मान ये रहा, तो एक बिंदु तो हमें यहीं पे मिल गया। इसके बाद अगला बिंदु एक और जीरो चाहिए, एक्स का मान एक और वाई का मान जीरो। एक्स का मान एक ये रहा और जीरो ये रहा, दोनों को मिलाएंगे यहां पे मिल जाएगा। तो दो बिंदु हमारे पास हो गए, इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से इन दोनों बिंदु को मिलाती हुई रेखा बना दी और समीकरण दो जो था वो रेखा के ऊपर आपको लिख देना है। अब देखिए दोनों ग्राफ जो बने हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहां पे x का मान दो है और y का मान भी दो है,
मतलब हम कह सकते हैं बिंदु दो दो पर वो प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म का मतलब इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो दो और दो होगा। x का मान दो उत्तर हो जाएगा, y का मान दो उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमने लिखा चूंकि दोनों ग्राफ बिंदु दो दो पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए जो रैखिक समीकरणों का युग्म है उसका हल दो दो हो जाएगा, और दो दो हल का मतलब है x बराबर दो और y बराबर दो। इस प्रकार तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं चौथा सवाल है। तो देखिए यहां रैखिक समीकरणों का जो युग्म दिया गया है वो इस प्रकार से है। देखिए पहले से बराबर में जीरो है तो हमें पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा समीकरण एक और यह हो जाएगा समीकरण दो। अब हम इन दोनों समीकरण की तुलना इससे और इससे करते हैं। तो देखिए दोनों समीकरण की तुलना इससे और इससे करेंगे तो ए वन का मान दो, बी वन का माइनस दो, सी वन माइनस दो, ए टू का मान चार, बी टू का माइनस चार, सी टू का माइनस पांच हो जाएगा। तो इस प्रकार सबके मान हो गए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले ए वन बटे ए टू ज्ञात करेंगे, कितना होगा दो बटे चार, कट सकती हैं संख्याएं, दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बटे दो आ गया। अब हम बी वन बटे बी टू ज्ञात करेंगे, माइनस दो बटे माइनस चार, देखिए माइनस से माइनस कट गए, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी आ गया एक बटे दो। ये दोनों जब बराबर आ गए तो अब हमें निकालना पड़ेगा सी वन बटे सी टू। देखिए माइनस दो बटे माइनस पांच, माइनस से माइनस कट गए, दो बटे पांच नहीं कट पाएंगे, दो बटे पांच ही रहेंगे। ये दोनों तो बराबर आ गए लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर है वी वन बटे वी टू के, लेकिन सी वन बटे सी टू बराबर नहीं है। अर्थात रेखाएं समांतर हैं और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनका कोई हल नहीं निकल सकता है, तो समीकरण युग्म जो होता है वो असंगत कहलाता है। तो इस प्रकार से चौथा सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न चार भी पूरा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।